कई दिनों से बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब काफी लाइमलाइट पे बनी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है फिल्म की रिलीज। हालांकि काफी दिनों से खबरें हैं कि मेकर्स फिल्म को OTT पर रिलीज करने का फैसला किया है। हालांकि सभी को इस बात का इंतजार था कि ये फिल्म कब तक फ्लोर पर आएगी। जो खबर अब सामने आई है वो ये है कि अगले महीने यानी कि जून में होगा लक्ष्मी बॉम्ब का महाधमाका। जी हाँ, दरअसल करीब 1.5 महीने से बंद पड़े सिनेमा घरों के कारण फिल्म वालों को भारी घाटा हो चुका है। सिनेमा घरों को जल्दी खुलने के आसार नहीं देखते हुए अब फिल्म का जून में डिज्नी प्लस हॉटस्टार डिजिटल प्रीमियर होगा। लक्ष्मी बॉम्ब के डिजिटल प्रीमियर का फैसला अक्षय कुमार, फॉक्स स्टार स्टूडियो के विजय सिंह और निर्माताओं में से एक तुषार कपूर ने मिलकर लिया है। करीब 3 हफ्ते से इनकी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अफसरों के साथ बातचीत चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म से जुड़े लोगों का मानना है कि सिनेमा घर सितंबर से पहले खुलने के आसार नहीं है। ऐसे में भारी भरकम बजट वाली इस फिल्म को और रोकना कारोबारी हित में नहीं होगा। खबरें तो यहाँ तक है कि डायरेक्टर राघव लॉरेंस हैदराबाद में और अक्षय कुमार मुंबई से ही फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम निपटा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब बड़ी बजट वाली किसी फिल्म का डिजिटल प्रीमियर होगा। इससे पहले बमफार जैसी छोटी फिल्म ही सीधे OTT पर आई है। लक्ष्मी बॉम्ब के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स को लेकर सौदा 90 से 100 करोड़ रुपए में हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा अक्षय कुमार को मिलेगा, क्योंकि वो फिल्म में हीरो के अलावा निर्माताओं में से भी एक हैं। तो भैया की के फैंस तैयार रहिए, क्योंकि जून में अक्षय आ रहे हैं अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब से आप सभी को हिलाने।